उस गुफा के बाहर मयूरी ने तुमसे 3 तीर मंगवाए थे। तुमने सोचा भी कैसे कि मेरा निशाना चूक जाएगा? क्योंकि तुमने 3 तीर मंगाए थे। ये तो बस शौकिया तौर पर मंगाए हैं। उसमें से 1 तीर तुम्हारे मालिक के लिए था, यानी मेरे लिए। खैर, अब तुम दोनों चिड़िया मेरी बात ध्यान से सुनो, और तुम कान खोल के। सतयुग में भले ही तुम बच गए, लेकिन मैं आधी नाक हूं, कलयुग में काल से भी बुरा। ये बात अपने कान में डाल लो। और तुम मुझे अपनी शक्ति का नमूना दिखा चुके हो, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। तो सुनो, उस घर में तुम मेरी आंख और कान बन के रहोगे। वहां की हर खबर मुझ तक पहुंचाओगे। वीर ने मेरा नाग रूप देख लिया है, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि मैं असली नाग हूं। इसलिए जाओ और पता करके आओ। दो विश्वासघाती तुम्हारे घर के अंदर है वीरांशु सिंघानिया। अब क्या करोगे? तपिश भाई, चाचू, डैड, सब कहाँ हैं? क्या बात है? क्या हुआ? मैंने कहा सब कहाँ हैं, सबको बुलाइए। सब आ तो गए हैं, और किसका इंतजार है? सब मतलब सब डैड। देख वीर, पौंकी बेहोश पड़ा है। अगर तू इस फैमिली के आखिरी मेंबर, आदरणीय पूजनीय घरवाली कहाँ है? वो कहाँ है? वो स्वीटहार्ट, वो रही मेरी घरवाली। आइए आइए, कम इन स्वीटहार्ट, वेलकम वेलकम। टेंशन मत लो, ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ गई थी। बात क्या है बता रहा हूँ, अभी तो आई हो। ये भीड़ मैंने क्यों इकट्ठा की है मैं बताता हूँ। आप लोग सबको याद है मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि मैंने फैसला लिया था कि मैं शादी करने वाला हूँ। कौन सी वाली वीर भाई? क्योंकि आपने कहा तो उस वाली का था, और कि इस वाली से। मोनिल, you're funny, लेकिन पता है क्या, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। जस्ट शट अप। मजाक ये नहीं तू कर रहा है, साफ साफ बोल बात क्या है। तुझे शादी करनी थी, तूने शादी कर ली। Exactly. मैंने बानी से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि वो जय माथुर मर गया। करेक्ट? किसी को उसकी लाश मिली? तपिश भाई आपको, डैड आपको, चाचू, किसी को नहीं। और वो पुलिस ने भी कहा वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। वो टपक गया और पीछे छोड़ गया लाचार बेबस गरीब मंगेतर को, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। मैंने तरस खा के उससे शादी कर ली। हाँ भाई, लेकिन ये सब तो हमें पहले से ही पता है। नहीं, हमें लगता है हमें पता, लेकिन हमें बातें नहीं पता होती, खास करके उस लूजर ढाबे वाले के केस में। हाँ, वो 2 कौड़ी उल्लू का पट्टा जय माथुर मरा नहीं है, जिंदा है। कहने का मन करने की चिल्लाओ मत, चीखो मत, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। बानी, घरवाली, स्वीटहार्ट, तुम्हारा वो प्रेमी आशिक सनम बेवफा, वो तो इंसान ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो एक इच्छाधारी नाग है। क्या बोल रहा है तू? अब चीखो, अब चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारे उस सपनों के राजकुमार, तुम्हारे उस आशिक ने मजाक उड़ाया। उसने अपना असली रूप कभी नहीं बताया, तुम्हारा तमाशा बनाया और अपनी मौत का भी। उस मौत का जिसकी वजह से एक बेकसूर की मौत हो गई। याद है कि याद दिलाऊं? मैंने आप सबको इसलिए बुलाया ये बताने के लिए कि मुझे नाग और इच्छाधारी नागों से सख्त नफरत है, हेट है। बचपन से कहानी सुनते थे ना, तब से नफरत है मुझे। सोच रहे हो ना स्वीट हार्ट, कैसा पति है, अजीब गरीब बातें कर रहा है ये इच्छाधारी नाग, नागिन, बहुत अजीब, वियर्ड। लेकिन स्वीट हार्ट, तुम ये नहीं पता कि वीरांशु सिंघानिया कितना अजीब है। हाँ, उसका नमूना तब देखोगे जब वो जय माथुर एक दिन मेरे सामने आएगा। क्या हालत करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन तुझे उसके बारे में कैसे पता चला? क्या वो यहाँ आया था तभी आपको पता चला? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ वीर, तुझे कैसे पता कि जय की इच्छाधारी नाग है? लक्ष्य ने कहा ना, अभी पूरी एंगेजमेंट पार्टी में उसे नागगंध, एक अजीब सी स्मेल आई थी, इसलिए मैंने ये रुद्राक्ष का माया जाल बिछाया। ओह नो, मुझे जय को फौरन ये बात बतानी होगी। मेरा फोन कहाँ गया? जी सर, वीर बाबा के साथ सिक्योरिटी रूम में मैं भी था जब उन्होंने ये सब प्लान किया था। और डैड, वीर ने मुझे भी उस रुद्राक्ष माया जाल के बारे में बताया था। जब सबको सब कुछ पता था तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? पकड़ा क्यों नहीं उसे? डैड, वो यहाँ से इंसान बनकर नहीं, नाग बनकर भागा था। नाग मतलब तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं चाचू, वो क्या है कि मैं उसका पीछा मैंने तब तक किया जब तक ये नहीं पता लग गया कि वो जय माथुर है। और ये सब गधे घोड़े बेचकर सोते रहे, किसी ने कुछ नहीं देखा। और वो नाग हमारे घर में आया कैसे? एक मिनट, शुक्ला तो सिक्योरिटी रूम में था ना, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, वो चेक करते हैं। अच्छा हुआ मैंने पहले उस रिकॉर्डिंग को ठिकाने लगा दिया, वरना आज बानी के इच्छाधारी होने का सच नहीं छुपता। खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल वापे। सर वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। व्हाट? क्या बकवास कर रहा है, जब कैमरा ऑन था तो रिकॉर्डिंग कैसे नहीं हुई? सर कुछ दिनों से सीसीटीवी में कुछ खराबी चल रही है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और तू अब जाग रहा है शुक्ला, क्यों पाल रहा हूं मैं तुझे? हाँ, तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता। डैड रिलैक्स, पता लग गया कि वो जय माथुर है, बात खत्म। खत्म कैसे भाई, जब बानी भाभी से शादी करने वाला था इच्छाधारी नाग होते हुए भी। राइट वीर भाई, क्या पता उन्हें भी उस नाग के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है। मैं बात करूंगा उससे, लेकिन उसके पहले आप लोग सब एक साथ रहेंगे। देखिए वो मामूली नाग नहीं है, इच्छाधारी है, कुछ खास शक्तियां हैं उसके पास। देखिए ना, इतने सालों से हमारा बिजनेस ट्रैवल था लेकिन हमें पता नहीं लगा कि वो एक नाग है, मतलब उसके असली रूप के बारे में हमें पता ही नहीं लगा। तो इसलिए प्लीज, वीर सही कह रहा है, हमें सावधान रहना। सावधान और एक साथ डैड, टुगेदर। गुड, क्या करूं, कैसे बताऊं ये सब जय को? मेरा तो फोन भी यहाँ नहीं है। बॉबी, बॉबी मेरा खाना लाओ। और कितनी लगेगी? पता नहीं, मेरा इतना बड़ा प्लान कैसे काम है, जब भी छोटा सा काम नहीं कर पाते। तो करता है सबको लाइन से खड़ा करो। मुझे जय को ये सब बताना होगा, ये सब बहुत खतरनाक है। फोकस जय, फोकस। सबसे पहले सबसे जरूरी काम, वीर को पानी से अलग करना है। उसके जय फोन क्यों नहीं उठा रहा है?